नमस्कार, आप सबको बता दें आप सबका स्वागत है ग्लोबल न्यूज अपडेट्स में। अभी भी शंकर घोष यहाँ पहुँच चुके हैं, विदेश मोड से आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। शंकर घोष जी का स्पष्ट कहना है कि हम जो है खेल के मैदान को खेल का मैदान ही रहने दिया जाए। आपको बता दें कि इस खेल का मैदान को कोई भी सभा का दिया जाए, यही उनकी पहले से ही आह्वान थी। उसके विरोध के लिए कमर कस चुके थे, उन्होंने कई दफा कहा था इस बात को। और मेरे कैमरे के सदस्य से देखिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं शंकर घोष। রাজভবনের সামনে এই পুলিশ জামাই আদর করে যার নামে চুরি দুর্নীতির অভিযোগ আছে তাদেরকে বসিয়ে রেখেছিল। हमने सिर्फ यही चाहा कि कंजनजंगा किया गन को छोड़ के आप लोग ये कर्मसूची करे। पहले भी मैंने इसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस प्रोटेस्ट के बावजूद प्रोग्राम हुआ। अरिजीत सिंह ने बोला था, इस शहर की जनता ने भी बोला था कि स्टेडियम के खेला छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। फिर भी ये चीफ मिनिस्टर कहने का ये निर्णय लिया गया। उस दिन मैंने बोला था कि मैं प्रतिवाद करूंगा, उन्होंने बोला कि हम लोगों का हाथ पर तोड़ देंगे। तो हम चाहते हैं कि ये तानाशाही का जो चेहरा हमारे राज्य के अंदर हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए। एक तानाशाही राज चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग सब MLA आ रहे हैं, सब मिलकर इधर प्रोटेस्ट करें। আমি তো বারবার করে বলেছি, যারা দুর্নীতি করে যারা চুরি করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির সাথে যুক্তদের উত্তাঞ্চল সত্য, যারা কথা বলবে इसी साथ। आप देख पा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन जो है अपने बल का प्रयोग करके उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए गेम की तरफ लेके जा रही है। वो किसी भी किस्म का यहाँ पर नहीं चाहती है कि कानून का उल्लंघन हो। जैसे कि आपको बता दें, आप देख पा रहे हैं मेरे कैमरे के सौजन्य से लाइव टेलीकास्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स के सौजन्य से। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरें आप देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से MLA शंकर घोष के साथ जितने भी उनके सहयोगी रिपोर्टर के मध्य में, सभी रिपोर्टर्स के मध्य में पुलिस प्रशासन जो है वो MLA शंकर घोष को और उनके साथ सहयोगी कार्यकर्ताओं को पुलिस खेल में ले जाने की चेष्टा में लगी हुई है। देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं प्रशासन कैसे घसीटते हुए कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता शंकर घोष जैसे कि
खेल के मैदान में केवल खेल होना चाहिए। कल आप सभी को बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनसभा का आयोजन किए हैं, आयोजन किया गया है उनके जनसभा का, स्थान बनाया गया है कंचनजंगा स्टेडियम को। उसके खिलाफ शंकर घोष यहाँ पे विरोध जताने के लिए आए थे विदेश मोड़ में, तो उसके पहले प्रशासन वाटर कैनन और अपने पूरे टीम के साथ वो मुस्तैद थी कि किसी भी किस्म का अनहोनी कार्य ना हो। और जैसे कि आपको बता दें यहाँ पे प्रशासन आगे कोई कार्यक्रम कि उसके पहले ही हस्तक्षेप करते हुए उन्हें अपने गिरफ्त को लेकर के सभी को सबका एक होता इस वेन में ले जाते हुए देख पा रहे हैं। ये तमाम कार्यकर्ता जो है बीजेपी के आप जुड़े हुए रहे हमारे साथ, ऐसे अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए अभी की हालात स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन कमर कस के तैयार थी पूर्व से ही। विनस मोड से मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं कसमत कस प्रशासन हो रहा है प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के तरफ से, और बीजेपी कार्यकर्ता को आप देख पा रहे हैं। रेडीमेड स्कूल इनहाउस की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।